इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने दुनिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी। इन्हीं घटनाओं में कुछ ऐसे शख्स सामने आए जिनकी पहचान एक रहस्य ही बनकर रह गई। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों को जिनकी पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दुनिया के 10 रहस्यमय लोग जिनका आज तक नहीं मिला कोई सुराग। नंबर 10, विक्ट्री डे पर किस करता अनजान कपल। जब न्यूयॉर्क द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे का जश्न मना रहा था तब ये तस्वीर अल्फ्रेड असिस्टेंट द्वारा खींची गई थी। इस तस्वीर को खुशियों का आइकॉन माना गया और इस कपल की तलाश की गई, पर कभी ये कपल सामने नहीं आया। जिन लोगों ने दावे किए वो गलत पाए गए। सही आइकॉन की तलाश कभी पूरी नहीं हो पाई। नंबर 9, डीबी कूपर। ये व्यक्ति अमेरिकी वायुयान सेवा के इतिहास का पहला और आखिरी व्यक्ति है जिसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। इसने अमेरिकी जहाज को हवा में ही हाईजैक कर लिया और 2 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ जहाज के कहीं उतरने से पहले ही पैराशूट के साथ जहाज से कूद गया। लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिकी एजेंसियां उसे पकड़ नहीं पाईं। काफी खोजबीन के बाद 4 सालों पर कुछ कैश कोलंबिया नदी में मिला, पर बाकी का कैश और पैराशूट समेत कूपर को पुलिस खोज नहीं पाई। नंबर 8, विनित्सा का अंतिम यहूदी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों की मौत की मशीनों ने लाखों लोगों को काल का ग्रास बनाया। उसी दौरान ये फोटो खींची गई थी जो विनित्सा का आखिरी जीवित यहूदी था और मरने वाला था। इस यहूदी की कभी पहचान नहीं हो पाई। नंबर 7, माउंट एवरेस्ट पर मिले अनजान लोगों के शव। ग्रीन बूटो वाले इस शव की कभी पहचान नहीं हो पाई जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर निकले व्यक्ति की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत सन 1922 से हुई, पर इस पर पहली बार 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्बे पहुंचे, लेकिन इससे पहले कोशिश कर चुके 200 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनमें से कईयों की पहचान अब तक नहीं हो सकी। नंबर 6, केविन कार्टर की तस्वीर में दिखा सूडानी बच्चा। सूडान की यात्रा पर निकले फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की इस तस्वीर ने दुनिया में तहलका मचा दिया, जिससे मौत के द्वार पर झुके बच्चे की तस्वीर थी। इस तस्वीर के पीछे गिद्ध उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। यह बच्चा कौन था इसकी कभी पहचान नहीं हो पाई। इस तस्वीर ने तत्कालीन सूडान की बेबसी को दुनिया के सामने लाकर दुनिया को हतप्रभ कर दिया। नंबर 5, द बाबुश्का लेडी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के समय एक महिला वहां दिखी थी जो कई लोगों के कैमरों में कैद हुई। माना जाता रहा कि कैनेडी की हत्या उसके हाथों में पकड़े गए कैमरे रूपी पिस्तौल से हुई, पर उस महिला की कभी पहचान नहीं हो पाई और ना ही उस कैमरे या पिस्तौल का कुछ पता चला। बाद में एक महिला ने दावा किया कि वही उस समय वहां थी, पर वो साबित नहीं कर पाई। इसलिए आज तक ये गुत्थी उलझी हुई है कि कैनेडी की हत्या किसी एक ही व्यक्ति ने की थी या उसके साथ कोई और था। और अगर महिला के हाथों हुई है तो ये महिला कौन है, वहां तक ये कैसे पहुंची, इन सब की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। नंबर 4, टैंक मैन। चीन में जून 1989 को त्यान आन मैन चौक पर चीनी सेना द्वारा छात्रों के दमन के समय की इस तस्वीर में टैंक के सामने आने वाले व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई। ये व्यक्ति कम से कम 2 बार सेना के टैंक के आगे आया और बार बार भीड़ द्वारा अपनी ओर खींच लिया गया। इसने बीच में टैंक चला रहे सैनिकों से बात भी की, पर इसका चेहरा कोई नहीं देख पाया। ये तस्वीर चीनी विरोध का प्रतीक बन गई और इस रहस्यमय व्यक्ति की कभी पहचान नहीं हो पाई। नंबर 3, सीन नदी में अज्ञात लड़की। मुस्कान के साथ सीन नदी में मृत मिली अनजान इस लड़की की पहचान आज तक नहीं हो पाई। ये कौन थी जिसके चेहरे पर मौत का कोई भय नहीं था, बल्कि चेहरे पर संतोष से भरी मुस्कान थी।
इस लड़की की तस्वीरों को लोगों ने खरीदा और ये तस्वीरें सबसे ज्यादा किस की गई तस्वीरों में से एक है। इस लड़की के चेहरे की तस्वीर से एक मूर्ति बनाई गई जो उसी की तरह रहस्यमय मुस्कान के साथ दिखती रही। नंबर दो, द हिरोशिमा स्टेप्स शैडो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ तो 300,000 लोग एक झटके में मौत के मुंह में समा गए। ये तस्वीर धमाके वाली जगह से 850 फीट की दूरी पर खींची गई, जहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ था पर परमाणु बम की ताकत ने उसे पूरी तरह से मिटा दिया। सिवाय उसकी परछाई के इस छाया की वास्तविकता की कभी पहचान नहीं हो पाई कि वो कौन था। और नंबर एक पर है द फॉलिंग मैन। जब 9/11 में अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ, उसी समय एक व्यक्ति के सर के बल नीचे गिरती तस्वीर कैमरे में कैद हुई। इस व्यक्ति की तस्वीर पूरी दुनिया में छा गई पर गिरने वाले की अब तक पहचान नहीं हो पाई। कुछ लोगों के अंदाजे के मुताबिक सर के बल नीचे गिर रहे व्यक्ति का नाम जोनाथन ब्राइले था, जो रेस्टोरेंट में काम करता था, पर आधिकारिक रूप से इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दी अननोन।